छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का नामांकन भरना प्रारंभ हो चुका है और नामांकन भरने के बाद प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, परंतु प्रचार प्रसार में निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई मार्गदर्शिका का पालन होता नहीं दिख रहा है। भिलाई शहर का भी यही हाल है, सभी विज्ञापन पर विज्ञापन संख्या दर्ज नहीं है और सरकारी संपत्ति जिस पर विज्ञापन करना प्रतिबंधित है वहां भी प्रचार सामग्रियां चस्पा की जा रही है, साथ ही विज्ञापन लेखन भी पूरी बेबाकी से किया जा रहा है। इस प्रचार में आम जनता भी थोड़ी हलाकान हो रही है, जिसकी शिकायत भी भिलाई निगम के कंट्रोल रूम में हो रही है। इन सब पर निर्वाचन आयोग की पैनी नजर बनी हुई है। यदि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रचार प्रसार मार्गदर्शिका का उल्लंघन होगा तो उन प्रत्याशियों पर कार्रवाई भी निश्चित है। शासन द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा गाइडलाइन निर्धारित कर दी गई है, उसी के आधार पर जो भी प्रत्याशी हैं उनको प्रचार प्रसार करना है। उनके लिए सबसे बड़ा अहम बात यह है कि जो भी आप प्रचार प्रसार करें, किसी भी शासकीय संपत्ति पर, कोई भी सार्वजनिक स्थल पर, कोई भी जो शासन का अधीन है उस पर आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, उस पर वॉल पेंटिंग नहीं कर सकते, वहाँ झंडा नहीं लगा सकते हैं और किसी भी प्रकार का वहाँ पर लेखन नहीं कर सकते हैं। और अज्ञानतावश कर रहे हैं कुछ लोग, जानबूझ के कर रहे हैं, तो कृपया करके मैं बड़े ही विनम्रतापूर्वक, बड़े ही अनुशासनात्मक रूप से करना कहना चाहता हूँ कि कृपया करके उस पर न करें। रही बात झंडा लगाने की, लोग रेल लोग क्या कर रहे हैं, पोल पे लगा दे रहे हैं, कहीं पेड़ पे लगा दे रहे हैं, कहीं और सार्वजनिक संपत्ति पर लगा दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी नहीं लगाना। यहाँ तक कि मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भिलाई स्टील प्लांट के भी जो मकान हैं, भिलाई स्टील प्लांट की जो दीवारें हैं वो भी शासकीय संपत्ति, वो भी सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर भी आप लोग बैनर पोस्टर कृपया करके न लगाएं और शांतिपूर्वक मतदान का अपना जो प्रचार प्रसार करना करें। हमें सब प्रशासन कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार जो लाउड स्पीकर बज रहा है, उच्च न्यायालय का दिशा निर्देश है और सर्वोच्च न्यायालय का दिशा निर्देश है और साथ में निर्वाचन आयोग भी उसको पालन करने के बोल रहा है कि रात 10 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक किसी प्रकार का आप ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो कृपया करके न करें। और एक चीज़ है, जो सार्वजनिक संपत्ति मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, गुरुद्वारे हैं वहाँ पर भी आप प्रचार नहीं कर सकते, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई बैनर पोस्टर न लगाएं। आप भी सहयोग करें, हम आपके साथ हैं, पूरा जिला प्रशासन आपके साथ है, कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय सब आपके साथ हैं, सब यही चाहते हैं शांतिपूर्वक मतदान हो, अच्छे से हो, तो आप सब सहयोग करें और शासन द्वारा, जिला निर्वाचन आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश दिया है उसका परिपालन करें। देखिए, एक दो बार तो हम लोग चेतावनी देंगे, नहीं देंगे तो जिला प्रशासन नियमानुसार जो भी होगा कार्रवाई करेगा।